subscribe to my YouTube channel RP Information and click the bell icon to get first notification. तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुद्रा, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक को कवर करूंगा जो बहुत सारे लोग डेली लाइफ में फेस करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसमें मैं बताऊंगा कि आपका जो बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम है जो आपके फोन के अंदर होता है, तो उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक देखते रहे, मैं फुल डिटेल देने वाला हूं। क्योंकि मेरे जो फोन है, मैं रेडमी नोट 5 प्रो के अंदर मैं सारे काम करता हूँ, मेरे मतलब वीडियो एडिट करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड इसके अंदर ही मैं वीडियो अपलोड भी करता हूँ। यहाँ पर मैं मतलब मैं PUBG भी खेलता हूँ, तो बहुत सारे काम करता हूँ, इसलिए बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन होता था पहले। पर मैं इन सारे टिप को जब फॉलो किया तो मैं बहुत हद तक मुझे हेल्प हुआ, एंड मेरा अभी बहुत ज्यादा कम हो रहा है बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम, जैसे पहले होता था वैसे अब नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना है ताकि आपका जो बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम हो वो 100% सॉल्व हो। तो इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखते रहिए, एंड मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं जो टिप्स बताऊंगा ये मतलब कुछ हद तक काम करेगा, पर ये जो आपका फुल मतलब जो बैटरी ड्रेनिंग एकदम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर देगा। मतलब ये कुछ ऐसा टिप्स है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो फोन भी मतलब आपका फोन का बैटरी भी हेल्दी रहेगा, एंड आपका जो फोन है वो भी लास्ट लॉन्गर होगा, एंड आपका बैटरी का जो प्रॉब्लम है मतलब बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम वो भी सॉल्व होगा कुछ हद तक। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के अंदर, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए, उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर डेली वीडियो अपलोड करता हूँ। तो चलिए उसको ज्यादा देना करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों तो पहले जिस टॉपिक को मैं कवर करूंगा वो है चार्जिंग। तो बहुत सारे लोग यहीं पर ही प्रॉब्लम करता है, मतलब बहुत सारे लोग यहीं पर ही प्रॉब्लम होता है कि चार्जिंग को लेकर। तो मैं मेरे फोन जो है मेरे पास रेडमी नोट 5 प्रो, मैं इसी को यहाँ पर एग्जांपल रखता हूँ ताकि आपको पता चले कि आपके फोन के अंदर भी क्या कुछ करना है। तो मेरे रेडमी नोट 5 प्रो के अंदर 4000 जो एमएच की बैटरी है, तो 4000 एमएच की बैटरी है मेरे रेडमी नोट 5 प्रो के अंदर। ये चार्ज होता है लगभग 2 घंटे के अंदर, ये फुल चार्ज हो जाता है 100%। तो मैं दिन में 2 बार चार्ज करता हूँ, क्योंकि मैं हैवी यूज करता हूँ दिन में, मतलब पूरा दिन इंटरनेट ऑन रहता है मेरा, ब्राइटनेस ऑन रहता है, एंड मतलब जो मैं ज्यादातर यूट्यूब देखता हूँ या फिर पबजी खेलता हूँ, एंड यहाँ पर ही मैं वीडियो एडिट करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मैंने पहले जैसे कहा। तो आप अगर मेरी तरह हैवी यूज करते हैं अपने फोन को तो आपको दिन में 2 बार चार्ज करना है। कैसे चार्ज करना है मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो आपको ओवरनाइट चार्ज कभी नहीं करना है, क्योंकि मैं रात को जब सोता हूँ तो पहले मैं करता था कि रात में जब मैं सोता था तो मैं चार्ज में मतलब जो मेरा यूफोरिया है उसमें मैं करता था कि चार्ज में मैं उसको लगा के सो जाता था, एंड सुबह उठकर उसको बंद करता था। तो आपको ये नहीं करना है। एंड रेडमी नोट 5 प्रो के अंदर एक ऐसा भी ऑप्शन है कि जब ये 100% चार्ज हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, पर तब भी मैं नहीं करता, एंड आपको भी ये नहीं करना है क्योंकि बैटरी हीट होता है तब। तो आपको क्या करना है, सुबह चार्ज दे देना है। तो मैं मेरे मम्मी को बोलता हूँ चार्ज दे देने के लिए, तो चार्ज वो दे देती है, एंड जब वो 90% होता है तब मैं उसको बंद कर देता हूँ। तो आपको कभी भी 100% चार्ज नहीं करना है अपने बैटरी को, क्योंकि देखेंगे अब 90% बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, फिर 100% होने में थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए हम 90-95% तक चार्ज कीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए, 100% कभी भी मत कीजिए, एंड दिन में 2 बार चार्ज कीजिए अगर आप मेरी तरह हैवी यूज करते हैं। अगर आप कम यूज करते हैं तो आप दिन में 1 बार चार्ज कीजिए 95 तक। तो ये था चार्जिंग को लेकर, एंड ओवरनाइट चार्ज कभी भी मत कीजिए। तो ये जो टिप्स है इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम है ये बहुत हद तक सॉल्व हो रहा है। सेकंड जो टिप्स है इसमें मैं बताऊंगा कि आपके फोन को जो हमेशा क्लीन रखने की जरूरत है, मतलब जो आपका फोन है उसको हमेशा क्लीन रखिए। तो क्लीन कैसे आप रख सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो सर क्लीन रखने के लिए पहला जो चीज करना है आपको, जो आपका कैश डाटा है तो उसको हमेशा डिलीट कर देना है। जैसे आप देख पा रहे स्क्रीन के अंदर मैं जाके डिलीट कर रहा हूँ, मतलब आपके स्टोरेज के अंदर जाना, मतलब सेटिंग के अंदर जाकर स्टोरेज के अंदर जाके आपका जो कैश डाटा है तो उसको हमेशा डिलीट कर दीजिए। तो वो बहुत ज्यादा जगह खा लेता है, एंड आपका स्टोरेज की वजह से भी बहुत बार टाइम बैटरी ड्रेन होता है। तो इसको हमेशा डिलीट कीजिए, एंड आपका जो बेफालतू की इमेजेस है, जो फोटोज है उसको भी आप डिलीट कर दीजिए, जो वीडियोज है उसको भी डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इन सारी चीजों के वजह से भी बहुत बार टाइम बैटरी ड्रेन होता है, क्योंकि ये सारे स्टोरेज लेते हैं, स्टोरेज की वजह से भी बहुत बार टाइम बैटरी ड्रेन होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा अपने फोन को क्लियर रखिए, कैश डाटा जो है इसको हमेशा डिलीट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जगह ले लेते हैं, 1-2 GB तक जगह ले लेता है, एंड मैं इसको हमेशा क्लियर रखता हूँ। इसलिए आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के अंदर जब मैंने आपको दिखाया तो तब देखेंगे मेरे पास सिर्फ 100 MB या 150 MB तक कैश डाटा था, या फिर इससे पहले मेरे पास 1-1.5 GB तक डाटा था। तो इसलिए मैं हमेशा कैश डाटा को हमेशा मैं डिलीट करता हूँ, इसलिए आप भी डिलीट कर दीजिए ताकि आपका फोन क्लीन रहे, एंड आपका बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम जो है वो बहुत हद तक कम होता रहे।
दोस्तों थर्ड जो टिप्स है ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टिप्स है क्योंकि बहुत सारे लोग ये मतलब गलती करते हैं, तो वो है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते तो उसको मिनिमाइज करके आप छोड़ देते, उसको क्लियर करना भूल जाता है। तो इसीलिए मैं एक एप्लीकेशन लाया हूं जिसका नाम है ग्रीनिफाई, तो देख पा रहे स्क्रीन के अंदर स्क्रीनशॉट, तो आप जाके इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए एंड इसको ओपन करके अगर आप यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली उसको फोर स्टॉप कर देता है एंड आप इसको यूज करके जितने भी सर बैकग्राउंड में आपका एप्लीकेशन है उसका फोर स्टॉप कर सकते हैं ताकि आपका बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो। क्योंकि बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन चलता है हमारा तो उसको अगर आप मतलब देखेंगे तो उससे ज्यादातर बैटरी हमारा ड्रेन होता है, तो अगर आप बैटरी में जाके देखेंगे तो वहां पर एनालाइज में जाके अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा ड्रेन होता है हमारा बैटरी ये बैकग्राउंड में एप्लीकेशन जो चलते हैं उसके वजह से। तो आपको क्या करना है, इसी एप्लीकेशन को जिसको मैंने कहा तो इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए एंड इसको अगर आप यूज कर देते ये ऑटोमेटिकली कर देता है आपका जो बैकग्राउंड का डाटा ये ऑटोमेटिकली फोर स्टॉप कर देता है एंड आप रैंडम भी कर सकते हैं अपने बैटरी सेटिंग के अंदर जाके, बैटरी के अंदर जाके जितने भी सारे एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन हो रहा है तो उसको आप फोर स्टॉप कर सकते हैं रैंडम भी जाके। तो ये एक एप्लीकेशन था जिससे वजह से आप आसानी से इसको कर सकते हैं, आपका बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम बहुत हद तक इसके वजह से सॉल्व हो सकता है। तो फोर्थ जो टिप्स है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टिप्स है एंड इसके वजह से आप बैटरी जो ड्रेनिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व हो सकता है बहुत हद तक, जो कि आपका ब्राइटनेस है एंड आपका इंटरनेट कनेक्शन है। तो बहुत लोग क्या करते हैं जब घर में भी रहते हैं तो ब्राइटनेस पूरा फुल करके रखते हैं, इसके वजह से आपका बैटरी ड्रेन बहुत ज्यादा होता है। तो इसको क्या करना है, आपको हमेशा जब आप घर में रहते हैं तो जो ब्राइटनेस है उसको हमेशा कम करके रखिए एंड जब आप बाहर जाते हैं तब इसको फुल कर सकते हैं। एंड एक ऑप्शन आता है कि जो हमारे रेडमी नोट 5 प्रो के अंदर ऑप्शन है, अगर आपके फोन के अंदर भी ऑप्शन है कि ऑटो करके रखता है ब्राइटनेस को, मतलब जहां पर आप जाएंगे ये ऑटो ब्राइटनेस ऑन हो जाता है, अगर आप बाहर जाएंगे तो ऑटो हो जाता है, तो उसको क्या करना है उस ऑटो ब्राइटनेस ऑप्शन को आपको ऑफ रखना है हमेशा क्योंकि उसके वजह से भी ज्यादातर बैटरी जाता है। एंड आपको क्या करना है, जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है जैसे मैंने कहा कि इंटरनेट कनेक्शन की वजह से भी जाता है, तो अगर आप यूज नहीं करते इंटरनेट पर, अगर आप मतलब जब जरूरी पड़ता है आपको इंटरनेट का तभी ऑन कीजिए इंटरनेट कनेक्शन को, हमेशा ऑन मत कीजिए। क्योंकि मैं पहले क्या करता था, मेरा पूरा दिन इंटरनेट कनेक्शन ऑन रहता था, इसके वजह से मेरा बैटरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता था, मतलब बैटरी ड्रेन बहुत ज्यादा होता था। तो मैंने इसको ध्यान रखना शुरू किया, इंटरनेट कनेक्शन मैं ऑफ रखता हूँ अभी हमेशा एंड जो आपका ब्राइटनेस है उसको भी मैं कम रखता हूँ। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपका बैटरी प्रॉब्लम जो है, मतलब बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम है, ये हमेशा सॉल्व हो सकते हैं इन सारे टिप्स को अगर आप यूज करेंगे। टिप्स की बात करें तो ये मेरा आखिरी टिप्स है एंड ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टिप्स है जो लोग पबजी खेलते हैं, क्योंकि पबजी अगर आप खेलेंगे तो आपका 10% से 12% तक चार्ज मतलब चला जाता है एक ही मैच के अंदर। तो मैं जब भी पबजी खेलता हूँ एक मैच तो आधा घंटे के करीब होता है, तो मेरा उससे 10 से 15% की चार्ज चला जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप पबजी खेल रहे हैं मतलब 1 से 2 घंटे के बीच, तो आपको क्या करना है 1 से 2 मैच ही खेलिए पबजी, ज्यादा मैच मत खेलिए क्योंकि इससे आपका फोन भी हार्म होता है। अगर आप लगातार मतलब अगर आप 100% चार्ज कर लिए एंड एक ही टाइम में लगातार पूरा मैच खेल रहे हैं 5-6 मैच 7-8 मैच भी खेल लेते हैं, बहुत सारे लोग चार्ज में लगा के खेलते हैं, तो ये चीजें मत कीजिए क्योंकि इससे आपका बैटरी भी मतलब बैटरी का भी प्रॉब्लम होगा, आपका फोन भी हार्म होगा। तो आपका फोन का बैटरी ज्यादा है इससे हार्म होता है, तो इसको आपको मतलब ध्यान रखना है। आप जब पबजी खेले तो 1 से 2 मैच खेले या 3 से 4 मैच भी खेल सकते, मैं एक ही टाइम में लगातार 4 मैच खेलता हूँ, इससे ज्यादा मैं कभी नहीं खेलता, तो आपको भी ये ध्यान रखना है। तो एक ही टाइम में आप 4 मैच खेल सकते या 5 मैच खेल सकते, इससे ज्यादा मत खेलिए क्योंकि आपका बैटरी भी प्रॉब्लम होता है एंड आपका जो फोन है वो भी हार्म होता है। तो इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका बैटरी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व होगा एंड अगर आप फोन में मतलब चार्ज में इसको लगा के अगर आप पबजी खेलते हैं तो ऐसे मत कीजिए क्योंकि इससे बहुत बड़ा टाइम आप देखेंगे कि फोन भी ब्लास्ट होता है। तो कोई सा भी ब्रांड का फोन हो ये ब्लास्ट हो सकता है, ये मतलब एक प्रॉब्लम रहता है एंड चार्ज में लगा के आप फोन में बात भी मत कीजिए, ये सारी चीजों को ध्यान रखिए। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे तो आप मतलब खुद भी सेफ रहेंगे एंड आपका फोन का भी मतलब फोन भी आपका लास्ट लॉन्ग होगा कि आप बैटरी मतलब जो चार्ज में लगा के फोन को यूज मत कीजिए एंड चार्ज में लगा के गेम का भी मत खेलिए, तो इसके वजह से आपका फोन का जो बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम है ये बहुत हद तक सॉल्व होगा। तो अगर आप इन सारे टिप्स को अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो आई होप आपका बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा सॉल्व हुआ है। एंड अगर मैं जैसे कहा कि जब आप पबजी खेलेंगे तो इसको ध्यान रखिए एंड पबजी का जो ग्राफिक्स है उसको हमेशा लो करके खेलिए, ज्यादा ग्राफिक्स में मत खेलिए। अगर आपका फोन का जितने भी ज्यादा मतलब कंफर्टेबल है ग्राफिक्स को उसको हमेशा कम करके खेलिए क्योंकि आपका फोन का बैटरी भी जरूरी है एंड उससे अगर आपका बैटरी भी बहुत ज्यादा हेल्प होता है बैटरी को क्योंकि बैटरी बहुत कम ड्रेन होता है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए, इसको फॉलो कीजिए एंड वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के अंदर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोला नीचे लाल के बटन है उसको क्लिक कीजिए, उसके साथ में जो बेल आइकन आता है उसको भी क्लिक कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मुलाकात हुई कल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो चलते हैं।